Good morning to all of you. So from today, we are going to start the new chapter. That we call it as the laws of motion. तो उसको laws of motion के नाम से जाना जाता है या फिर इसको बोलते हैं Newton's laws of motion. Newton's laws of motion. और इसी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को शॉर्ट में हम लोग NLM कह देते हैं. सो NLM मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. आपने कुछ पूछा है टुडे न्यू चैप्टर या टुडे इज न्यू चैप्टर. व्हेन वी विल गेट मॉड्यूल टू इन प्रिंटेड फॉर्म. मॉड्यूल टू ओके. मेरे को ये कंफर्म कर दो कि मॉड्यूल टू प्रिंटेड में मैंने दे दिया आप लोगों को जिसमें काइनेमेटिक्स और NLM दोनों रहा होगा. क्या किसी ने रिसीव किया है काइनेमेटिक्स NLM प्रिंटेड फॉर्म में. हाँ तो मिल चुका है. आप ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. यू कैन गो ऑफिस यू विल गेट इट. तो काइनेमेटिक्स और NLM का आपके पास ऑलरेडी है. अगला चैप्टर आएगा तो इसके लिए हम लोग प्रिंट करके देखो. स्क्रीन विजिबल नहीं है ठीक है. मैं शेयर करता हूँ और होपफुली इसके बाद विजिबल हो जाएगा सभी को. So, okay, we are going to proceed for this laws of motion, Newton's laws of motion. इसी के साथ हम लोग friction को भी पढ़ लेंगे. तो friction will also be covered in this chapter. So, इसको हम NLM and friction भी नाम दे सकते हैं. और आप NLM में भी friction को count कर सकते हो. अभी तक आपने जो पढ़ा है वो motion के बारे में पढ़ा है. कि अगर मोशन को डिस्क्राइब करना हो तो किस तरह से मोशन चलता है. एक्सेलरेशन वेलोसिटी पोजीशन उनमें आपस में क्या लिंक होता है. एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो क्या होता है. एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है देन व्हाट वी डू. एक्सेलरेशन जीरो होता है देन हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस. वो बेसिक क्वेश्चंस आपने काइनेमेटिक्स में डील किए. काइनेमेटिक्स वॉज बेसिकली व्हाई अ मोशन इज टेकिंग प्लेस. आई मीन काइनेमेटिक्स वॉज बेसिकली किस तरह से मोशन हो रहा है. तो हाउ एस्पेक्ट ऑफ मोशन की मोशन किस तरह से हो रहा है दैट वाज काइनेमेटिक्स. अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि व्हाई मोशन इज टेकिंग प्लेस. दैट मींस कॉज बिहाइंड द मोशन क्या है. आपने काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन लिखी थी तो उसमें लिखा था कि हम मोशन को डिस्क्राइब करते हैं विदाउट वरिंग अबाउट द कॉज बिहाइंड द मोशन. तो व्हाई इज द कॉज. कॉज के लिए हम लोग फिर NLM को पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. तो जो लॉज ऑफ मोशन होते हैं वो बता रहे होते हैं कि क्यों मोशन होता है. अगर आपकी कार खड़ी है तो ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट नहीं करेगी. या आपकी टेबल पे बुक रखा हुआ है तो बुक रखा ही रहेगा. बुक अपने आप चलना स्टार्ट नहीं करेगा अंटिल एंड अनलेस यू डू समथिंग. सो दैट मींस यू अप्लाई सम कॉज टू मोशन टू टेक प्लेस. उसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे और फिर दोनों को लिंक कर लेंगे कि कॉज कैसे हुआ फिर मोशन कैसे हुआ. दोनों मिल करके कंप्लीट मैकेनिक्स को बात करेगा. हाँ इसी को कई बार हम लोग डायनेमिक्स भी कहते हैं. तो जो वाई एस्पेक्ट होता है उसको डायनेमिक्स भी कहते हैं. तो काइनेमेटिक्स प्लस डायनेमिक्स इज इक्वल टू मैकेनिक्स. तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको कई बार लोग मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं. तो मैकेनिक्स का मतलब हुआ इसमें दो एस्पेक्ट होते हैं. एक इसका काइनेमेटिक एस्पेक्ट होता है और दूसरा इसका जो रहता है वो डायनेमिक एस्पेक्ट रहता है. डायनेमिक्स में हम लोग ये पढ़ते हैं कि किस तरह से क्या कॉज है मोशन का और काइनेमेटिक्स में मोशन कैसे चल रहा है. फिर ये मोशन भी अपने आप में दो तरह से डिवाइड कर लेते हैं हम लोग कि कुछ ट्रांसलेशनल मोशन होते हैं कुछ रोटेशनल मोशन होते हैं. तो अभी लोग हम लोग जितनी भी बात कर रहे हैं वो ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं. जैसे आपकी कार हुआ करती थी और कार चल रही थी दैट मीन्स ट्रांसलेशन. आगे चल करके रोटेशन भी आएगा. व्हील्स के बारे में पढ़ेंगे व्हील कैसे रोटेट कर रहा होता है कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी. और उसमें जो डायनेमिक्स आएगा वो टॉर्क के टर्म में आएगा.
तो डायनेमिक्स में जो मेन पैरामीटर्स होते हैं, क्वांटिटीज होती हैं, पहला होता है फोर्स ट्रांसलेशन के लिए और दूसरा होता है टॉर्क रोटेशन के लिए. तो जो फोर्स का काम होता है किसी चीज को ट्रांसलेट चलाने के लिए, टॉर्क वही काम करता है रोटेट करने के लिए. सो ये मैकेनिक्स के दो मेजर सेगमेंट्स हैं और इसमें हम ट्रांसलेशनल रोटेशनल दोनों की बात करेंगे. पहले फोकस हमारा ट्रांसलेशन पे चल रहा है क्योंकि वो ईजी होता है और उसके बाद फिर हम लोग रोटेशन की बात करेंगे. कंप्लीट हो जाएगा रोटेशन के साथ पूरा मैकेनिक्स, तो इसको डायनेमिक्स भी कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो. हाँ, तो जैसे सिंगेज में आपने परचेस किया है उसमें मैकेनिक्स वन लिखा हुआ है, मैकेनिक्स टू लिखा हुआ है. तो मैकेनिक्स वन बेसिकली ट्रांसलेशनल पार्ट को लेकर के, जिसमें आप वेलोसिटीज एक्सेलरेशन फोर्सेस इनके बारे में पढ़ोगे. सेकेंड जब मैकेनिक्स आप लोगे तो उसमें रोटेशन आएगा. तो मैकेनिक्स वन प्लस मैकेनिक्स टू इज इक्वल टू टोटल मैकेनिक्स. और फिर मैकेनिक्स के बाद हम लोग, अब मैंने इंट्रोडक्शनरी वीडियो बनाया हुआ उस पर आप देखोगे तो मैंने कुछ फिजिक्स को कैटेगराइज किया है कि पहले हम लोग मैकेनिक्स पढ़ते हैं, उसके बाद में कुछ थर्मल फिजिक्स पढ़ते हैं, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स पढ़ते हैं, फिर मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं, फिर लाइट वाला फिजिक्स पढ़ते हैं. तो इस तरह से फिजिक्स को तीन चार पाँच कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है. सो हम लोग इस चैप्टर पर आते हैं और इस पर डीप पे जाते हैं कि क्या क्या चलता है और हमारे लिए एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है. पुली वाले इक्वेशन भी हैं इस चैप्टर में. यस, पुली आएगा, टेंशन आएगा, स्प्रिंग आएगा, बहुत सारे फोर्सेस आएंगे और उन फोर्सेस को फील कर पाओगे. हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले फोर्स एक डेफिनेशन लिखते हैं. जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है इसमें वो फोर्स है. फोर्स को हम लोग एफ वेक्टर से इंडिकेट करेंगे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है. और इसको समझ लेते हैं कि व्हाट द फोर्स इज, हाउ वी डिनोट इट, इसको कैसे यूज करना है. हाँ, तो आगे काफी कॉम्प्लिकेशन सबको मिलेंगे. पहले हम बेसिक समझ लेंगे तो कॉम्प्लिकेशन हमारे लिए उतने डिफिकल्ट नहीं जाएंगे. आपसे कोई पूछता है व्हाट इज अ फोर्स, तो एवरीबॉडी एक्सपीरियंस की फोर्स होता है. जैसे आप अगर लेट्स से कि कोई रूफ पे खड़ा होता है और जंप करता है तो दैट विल फोर्स, फील अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड विल कम डाउन साइड. या फिर आप ऐसा बोलो कि आप वॉल को पुश करते हो, वॉल आपको पुश करता है, आप एक पंच मारते हो वॉल को तो आपको भी दर्द होना स्टार्ट होता है. सो वट एवर दिस पेन यू आर फीलिंग बेसिकली वॉज अ फोर्स. तो कई तरह से लोग इसको डिफाइन करते हैं. हम लोग कुछ ऐसा डिफाइन कर सकते हैं. शॉर्टेस्ट पे बोलते हैं कि ये पुश और पुल इफर्ट होता है. तो इसको लिख सकते हैं इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. तो फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का इंटरेक्शन होता है. किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल एफर्ट्स. तो अगर कभी फोर्स आपको डिफाइन करना हो, किसी को एक्सप्लेन करना हो, तो आप इस तरह से बोल सकते हो कि फोर्स लगने के लिए अपने को दो बॉडीज चाहिए होंगी, उनके बीच में इंटरेक्शन चल रहा होगा. आप देखोगे कभी भी एक सिंगल बॉडी पे फोर्स नहीं लगेगा. देयर हैज टू बी टू बॉडीज इंटरेक्टिंग और उनके बीच का जो फोर्स होता है, इंटरेक्शन होता है, वो एक या तो पुल हो रहा होगा या फिर पुश हो रहा होगा. तो कुछ इफर्ट्स लग रहे होंगे पुल और पुश को लेकर के. हाँ, बाद में इसको मोमेंटम से भी लिंक कर लेते हैं, वो न्यूटन्स लॉज है. तो ये बेसिक डेफिनेशन है एक लेमैन कॉमन पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से. जैसे कि अगर आप देखते हो कि आपने पेन को ड्रॉप किया तो वो नीचे चला जाता है क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा था. क्यों जाता है नीचे, हम लोग आगे समझ लेंगे. फोर्स लग रहा था, या फिर आपने वॉल को पंच किया तो आपको फोर्स लगा. दैट मीन्स योर हैंड एंड वॉल, दे आर टू बॉडीज, दे आर इन कॉन्टेक्ट. तो ये जो इंटरेक्शन होता है ये दो तरह से हो सकता है, कॉन्टेक्ट का भी हो सकता है, नॉन कॉन्टेक्ट का भी हो सकता है. तो इंटरेक्शन कैन बी कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट. तो हम लोग टाइप ऑफ फोर्स देखेंगे. दोनों फोर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मे बी कॉन्टेक्ट फोर्स, मे बी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स. कॉन्टेक्ट इंटरेक्शन मीन्स इंटरेक्शन विद द कॉन्टेक्ट ऑफ द बॉडी, और नॉन कॉन्टेक्ट इंटरेक्शन. आपने पंच किया था वॉल को तो वो कैसा इंटरेक्शन था, कॉन्टेक्ट वाला था या नॉन कॉन्टेक्ट वाला था? कैसे समझेंगे कि अगर दो बॉडी टच में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, फिर एक दूसरे को पुश और पुल करते हैं, तो वो कांटेक्ट इंटरेक्शन हुआ.
और अगर आपने अपने पेन को ड्रॉप किया और ग्रेविटी ने उसको पुल किया, तो वो पेन हवा में था या आपका जो भी बॉडी है वो हवा में थी, और इसके बावजूद अर्थ उसको पुल कर रहा है, अर्थ के टच में नहीं, इसके बावजूद भी उसको पुल कर रहा है, तो नॉन कॉन्टेक्ट का एग्जाम्पल होगा। जैसे दो मैग्नेट्स लेते हो, एक मैग्नेट को रखो, एक को दूर रखो, तो दोनों, एक मैग्नेट दूसरे को मूव करा देता है, दैट मीन्स विदाउट बींग इन कॉन्टेक्ट। तो दो तरह के इंट्रैक्शन हो सकते हैं, कॉन्टेक्ट के साथ हो सकता है, नॉन कॉन्टेक्ट के साथ हो सकता है, दोनों पे फोर्स लग रहा होता है। तो फोर्स इज बेसिकली एफर्ट, इट कैन बी पुल और पुश। कब पुल होगा, कब पुश होगा, वो कैसे समझेंगे, तो समझा देते हैं उसको भी। लेट्स से कि आपके पास एक ये बॉडी है। अच्छा, मैं आपसे पहले पूछता हूँ, तो मेरे को भी आइडिया लगेगा कि आपको कितना आप रिलेट कर पाते हो और कितना आप जानते भी हो। लेट्स एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं कि एक टेबल पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। सो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो ये ब्लॉक है, दूसरा ग्राउंड है या टेबल है। तो दिस इज कॉल्ड ब्लॉक, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड, और मे बी टेबल, मैं इसको ग्राउंड नाम दे दे रहा हूँ। ये दोनों बॉडीज कॉन्टेक्ट पर हैं, और ये जो सर्फेस है ये कॉन्टेक्ट सर्फेस है, तो इनके बीच में इंटरेक्शन चल रहा है, दैट मीन्स दे आर हैविंग फोर्सेस टूवर्ड्स ईच अदर और ऑन ईच अदर। तो ये जो फोर्स है वो इंटरेक्शन है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो हम देख पा रहे हैं। ये इफर्ट है, क्या आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ग्राउंड ब्लॉक को पुल कर रहा है या पुश कर रहा है? So my question is, ground block को pull कर रहा है या push कर रहा है? अगर आप सही आंसर देंगे तो हम लोग जल्दी आगे बढ़ जाएंगे, वरना फिर उसको डिटेल में समझेंगे। अभी तक pull आ रहे थे, अब push आना स्टार्ट हुआ है, तो आप उसको आपको दिमाग लगाना है, रटा हुआ कुछ भी नहीं चलेगा। आपको ये देखना है कि क्या दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, यस, फिर क्या ब्लॉक कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, ग्राउंड कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, वो अपने को समझना है। अच्छा, पुल और पुश क्या होता है उसके बारे में मैं एक फिगर से बता देता हूँ, तो कुछ रिलेट करना आसान होगा। आप सपोज कर लिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, और अगर कोई चीज इसको पुश करेगी तो पुश को हम ऐसे दिखाते हैं, मतलब फोर्स को पुश करते हुए दिखाते हैं, तो ये बोलेंगे पुश इफर्ट है, शो करने का तरीका। पुल इफर्ट दिखाना होगा तो क्या बोलेंगे, पुल इफर्ट को हम लोग इस तरह से दिखा देंगे। हालांकि बाद में ये मैटर नहीं करेगा कि अब पुश पुल कैसा है, फोर्स मैटर करेगा, उसकी डायरेक्शन मैटर करेगी, बट अगर हमको आइडेंटिफाई करना हो तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे पुल है। तो यहाँ इस केस में, सेकेंड केस में, ब्लॉक को पुल किया जा रहा है, जैसे आप रोप से टाई करके पुल करते हो, और कोई ब्लॉक रखा हुआ पीछे से पुश करते हो, तो कॉमन लैंग्वेज है पुश इफर्ट, पुल इफर्ट। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर था कि क्या ग्राउंड और ब्लॉक के बीच में इंटरेक्शन चल रहा है, आप बोलोगे यस, तो क्या फोर्स लग रहा है, यस। तो फिर मैंने ये पूछा कि ग्राउंड जो है वो ब्लॉक को किस तरह का फोर्स दे रहा है, इफर्ट दे रहा है, क्या पुश कर रहा है या पुल कर रहा है। अभी हम लोग इसको और डिटेल पढ़ेंगे तो आप तुरंत आंसर दे दिया करेंगे, अभी के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या चल रहा था और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पुश है पुल है। अगर आपने नहीं समझा तो आपका जो कॉमन सेंस है, बिगनिंग वाला सेंस है ना, वो कई बार आपको गलत बताता है। तो यहाँ पर अगर हम इस ब्लॉक को ड्रॉ करते हैं, ब्लॉक को अलग से देखते हैं, तो लेट्स से हम ब्लॉक को अलग से देख रहे हैं और ग्राउंड को भी सेपरेटली वॉच कर रहे हैं, और हमको ये पता करना है कि इन दोनों के बीच में कैसा इंटरेक्शन चल रहा था। तो इस वाले सरफेस पे ग्राउंड फोर्स लगा रहा होगा, इस वाले सरफेस पे ब्लॉक फोर्स लगा रहा था। नाउ कैसे आइडेंटिफाई करना, बहुत आसान है। एक मिनट के लिए अगर ग्राउंड को आप यहां से हटा लो, ग्राउंड हो या टेबल हो या जो भी हो, और फिर देखो कि ये ब्लॉक के साथ क्या होने वाला है। अगर ग्राउंड नहीं रहा होता तो ये ब्लॉक नीचे जा रहा होता या ऊपर जा रहा होता, तो आप पाओगे कि ये नीचे जा रहा होता, ग्राउंड ने इसको नीचे जाने से रोका हुआ है, since it has stopped to go down। अगर कोई चीज किसी डायरेक्शन में जा रही है आप उसको रोकोगे, तो रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसको पुश बैक करना पड़ेगा। तो आप देखोगे कि ग्राउंड जो है वो ब्लॉक को पुश कर रहा है ऊपर की तरफ, और यही इंट्रैक्शन फोर्स है, इसी को बोलेंगे दैट इज फोर्स एफ। साथ ही साथ अगर ग्राउंड ने ब्लॉक को पुश किया ऊपर की तरफ, तो आगे आप पढ़ोगे कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन रहती है, तो ब्लॉक इसको भी पुश करेगा इस तरह से।
सो यू विल फाइंड कि जो इफर्ट लग रहा है वो दोनों के लिए पुश इफर्ट है. दैट मीन्स ग्राउंड ब्लॉक को पुश कर रहा है ऊपर के लिए और ब्लॉक ग्राउंड को पुश कर रहा है नीचे के लिए. बहुत ऑब्वियस एग्जांपल्स है, बहुत ऑब्वियस तरीके से आप समझ सकते हो. लेट्स से ग्राउंड नहीं होता, एक टेबल रहा होता. ब्लॉक आपका हैवी रहा होता, टेबल आपका वीक रहा होता, तो क्या ये टेबल ब्रेक होकर के ब्लॉक नीचे चला जाता? तो ये नीचे क्यों जाता है? क्योंकि ये ग्राउंड को या ब्लॉक को इसको पुश कर रहा था, और अगर वो स्ट्रांगली पुश कर पाएगा तो उसको अपनी डायरेक्शन में मूव करा देगा. तो वहां से अपने को अब रियलाइजेशन होगा कि एफर्ट्स जो जा रहे हैं वो पुश एफर्ट जा रहे हैं. आप जब टेबल पे बैठते हो, अगर आप चेयर पे बैठे होगे, तो जब आप चेयर पे बैठे हो तो चेयर आपको पुल कर रहा है या पुश कर रहा है? तो अगर चेयर नहीं होगी तो आप नीचे चले जाओगे. तो चेयर इज पुशिंग यू अप एंड होल्डिंग यू एट अ पर्टिकुलर हाइट, सो दैट इज अ पुश एफर्ट. यू आर ऑल्सो पुशिंग द चेयर डाउन, इजंट इट? और अगर वीक चेयर में आप बैठते हो तो वीक चेयर क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, आप नीचे फॉल कर जाते हो, क्योंकि आपका पुश एफर्ट ज्यादा था और बुक जो आपकी चेयर थी उसकी स्ट्रेंथ कम थी, इसलिए आप फॉल डाउन करते हो. तो जिन्होंने पुल बोला है, प्लीज पे अटेंशन एंड शिफ्ट इट टू पुश. हालांकि ऐसा कोई पूछता नहीं है, बट कॉमन सेंस में कोई पूछ सकता है, एग्जाम में नहीं आएगा. बट स्टिल यू नीड टू रियलाइज कि हम किस तरह से फोर्स लगा रहे हैं, पुश कर रहे हैं या फिर पुल कर रहे हैं, या फिर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे किस तरह का एफर्ट लगा रहा होता है. आपने लिखा पर अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी देन ब्लॉक. अभी हम लोग ग्रेविटी के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, हमने तो ग्रेविटी का कहीं नाम ही नहीं लिया. हमने देखा दो ऑब्जेक्ट, एक ग्राउंड और एक ब्लॉक, ब्लॉक रखा हुआ है ग्राउंड पे, दैट्स डन. हाँ, अगर मैं आपसे पूछता अर्थ क्या कर रहा है, तो अर्थ इसको अपनी तरफ पुल कर रहा था और उसी पुल को काउंटर करने के लिए ग्राउंड ने पुश किया, वरना वो नीचे क्यों जा रहा है? नीचे ग्रेविटी की वजह से जा रहा है, लेकिन ग्राउंड ने उसको रोका हुआ नीचे जाने से, इसका मतलब ग्राउंड को पुश करना पड़ेगा. तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेविटी का फोर्स कैसा लग रहा है, तो एक अलग स्टोरी है. कॉन्टेक्ट फोर्स कैसा है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट इंटरेक्शन, सो इंटरेक्शन कैसा चल रहा है उस पर फोकस है. गॉट इट? ब्लॉक इज नॉट मूविंग एज पर स्टेटेड, हेंस इन इक्विलिब्रियम. हाँ, वो सारी कहानियां बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम, और वो धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं. अभी हम लोग बहुत बेसिक की बात की है, आगे हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे और पता कर सकते हैं. तो इस तरह से फोर्स दिखाएंगे, इनका नाम भी होगा, नॉर्मल रिएक्शन नाम से जानेंगे इनको. तो फोर्स का पोल और पुश एफर्ट होता है. अगर आप विजुलाइज कर पा रहे हो तो एक दो एग्जांपल मैं और आपसे पूछता हूँ. अगेन आप ट्रैप हो सकते हो अगर ध्यान से ऑब्जर्व नहीं करोगे. बस आपका कॉमन सेंस बिल्डअप करने के लिए, बाकी कैलकुलेशन के लिए हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. लेट्स से आप मार्केट जा रहे हो या मार्केट से आ रहे हो, आपने कई सारी शॉपिंग कर रखी है और आपके हाथ में शॉपिंग बैग है, बैग का ये कॉलर है और ये आपके पास बैग है. मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूँ, आप इस तरह से पकड़ करके जा रहे हो, चल रहे हो, खड़े हो, जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. दिस इज बैग एंड दिस इज मैन और पर्सन और एनीवन. आंसर दो ही होंगे, पुश और पुल, लेकिन 50% रिस्क होगा अगर आप गेस करोगे या फिर सही से नहीं बताओगे. क्वेश्चन ये है कि व्हाट काइंड ऑफ इफर्ट मैन इज अप्लाइंग ऑन द बैग. क्लियर कट लिखा हुआ है मैंने और आपको बताना है व्हाट काइंड ऑफ इफर्ट मैन इज अप्लाइंग ऑन द बैग. आंसर इज कमिंग एज अ पुल. ओके, सो पुल यू गॉट इट as answer. Let's check it. Let's imagine कि आप बैग को पकड़ते हो. आप बैग पकड़ करके देखो तो आपकी बॉडी का जो पोर्शन बैग के साथ कॉन्टेक्ट पर होगा उसको रियलाइज करो. अगर आप आपने जो आंसर दिया है ना वो कॉमन आंसर आता है,
और क्यों आप दे रहे हो वो भी हमको समझ में आ रहा है, लेकिन मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ सोचने के लिए कि अगर आप बैग को पकड़ते हो, जस्ट इमेजिन यू आर होल्डिंग अ बैग, व्हाट पोर्शन ऑफ योर बॉडी इज इन कॉन्टेक्ट विद द बैग। पहली बात तो ये डिसाइड करना कि क्या कॉन्टेक्ट वाला था या नॉन कॉन्टेक्ट वाला था। तो आप बोलोगे ये कॉन्टेक्ट वाला था, फिर अपने को देखना है कि कौन सा पोर्शन कॉन्टेक्ट पे जा रहा है। तो आप कुछ ऐसा करते हो ना, आपका पाम कुछ ऐसा होगा, पाम आपके इधर हाथ होगा, ऐसा कुछ रहा होगा, मतलब मैं रफली बना रहा हूँ। सो क्या इसके ऊपर से ये बैग गया है, बैग का पोर्शन गया है, ये बैग कैसा है वो हमारे लिए मैटर नहीं कर रहा है। मैटर ये करेगा कॉन्टेक्ट कैसा चल रहा है। ना कॉन्टेक्ट में आप देखोगे कि ऊपर आपका बैग है और नीचे आपका हैंड है जो कॉन्टेक्ट पर है। दिस इज योर हैंड, दिस इज योर बैग। कैन यू इमेजिन? यू कैन इमेजिन बिकॉज दैट्स सो प्रैक्टिकल, यू कैन डू दैट। अगर आप इमेजिन करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो हैंड है ना, आप उससे इसको पुश कर रहे हो। तो बैग पर, अगर इस बैग का फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम सीखेंगे, तो आप देखोगे बैग हमारा ये है और आपका हैंड कर क्या रहा है। बेसिकली आपका हैंड इसको इस तरह से पुश कर रहा है। दिस इज द फोर्स दैट इज बीइंग अप्लाइड बाय योर हैंड ऑन द बैग। So, अगर आपसे पूछा जाता व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट द मैन हैंड इज पुटिंग ऑन द बैग, यू शुड से इट इज अ पुश एफर्ट, इट्स नॉट अ पुल। वेल, आप ऐसा बोल सकते हो कि उसको ऊपर खींच रहे हैं तो सेंस में पुल है, बट द वे वी आर डिस्कसिंग, अब देख आपको कॉन्टेक्ट वॉच करना कि कॉन्टेक्ट किस तरह से चल रहा है और क्या हमारी पाम उसको पुश अप कर रही है या फिर पाम उसको पुल अप कर रही है। हैंड हमारा पुल अप कर रहा है, लेकिन हैंड हमारा पूरा कॉन्टेक्ट पे नहीं है। हमको सिंपली कॉन्टेक्ट देखना होता है, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट इज गोइंग ऑन। क्या आप बैग को ऐसा ऊपर टच करके पुल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, आपको नीचे से पकड़ करके उसको पुश करना पड़ेगा। और आप ध्यान से ऑब्जर्व करो कि जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पुश कैसे दिखाते हैं, पुल कैसे दिखाते हैं। पुश को दिखाने के लिए ऑब्जेक्ट की तरफ एरो लगाते हैं, जहां पर कॉन्टेक्ट अगर ऑब्जेक्ट की तरफ एरो हो तो दैट इज अ पुश। पुल का मतलब होता है एरो ऑब्जेक्ट से बाहर जा रहा है। सो यहां पर हम ये बैग का जहां भी कॉन्टेक्ट है उसको हम ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं। सो अब आप इसको याद रखोगे, दैट इज नॉट अ पुल, दैट इज अ पुश। और उसको कैसे पढ़ेंगे आगे चल करके, जब भी कई सिचुएशन आएगी तो हमको क्या करना होगा कि ये देखना होगा कॉन्टेक्ट कहां पर है, फिर उसको इमेजिन करना होगा कॉन्टेक्ट कैसे चल रहा है, फिर हमको देखना होगा कौन सा बॉडी कहाँ पर है, दूसरा बॉडी कहाँ पर है। हाँ, अगर हमारा हैंड ऊपर होता जो कॉन्टेक्ट पर था, बैग नीचे रहा होता जो कॉन्टेक्ट पर था, तो अगर हमारा ये मैजिक से ऊपर उठा रहा होता तो हम बोलते पुल है। तो पुल तो हम मैजिक से ही कर सकते हैं, लेकिन अगर हम होल्ड करके करेंगे तो डेफिनेट सी बात हमको पुश करना पड़ेगा। अभी आप ग्रेविटी को क्यों जबरदस्ती ला रहे हो? बिकॉज ग्रेविटी के बारे में हम लोगों ने कुछ बात ही नहीं की है ना, हम तो सिर्फ कॉन्टेक्ट को विजुलाइज करने की बात कर रहे हैं। ग्रेविटी को हम लोग लेके आएंगे, आप देखोगे कि जब देखो, और वैसे भी देखो, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हो, आई मीन लाइक पहले से जानते हो, तो आप उसको कैसे रियलाइज कर सकते हो? बैग के देखो, बैग को ग्रेविटी अगर आपको बार बार याद आ रहा है तो ग्रेविटी तो नीचे लगता है, और अगर हमने इसको पुशअप नहीं किया तो फिर आप देखोगे कि ये बैग हमारा रेस्ट पे क्यों रहेगा, वो तो नीचे आ जाएगा। तो ये जो फोर्स हम कॉन्टेक्ट की बात कर रहे हैं, ये फोर्स हमारा ग्रेविटी फोर्स को बैलेंस करने के लिए आएगा। तो जो बैलेंसिंग है वो हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हम ये देखते हैं कि अगर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है तो क्या हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरह से एक्ट करता है, क्या हम कॉन्टेक्ट को रीड कर सकते हैं, कैन वी विजुलाइज कि कॉन्टेक्ट कैसा चल रहा है। सो क्या आप हमको ये बता सकते हो आप कि अगर कोई आपसे ऐसा बोलता है कि आप ग्राउंड पे खड़े हो तो आप अर्थ को पुश कर रहे हो या फिर अर्थ को पुल कर रहे हो? आप अर्थ के साथ क्या कर रहे हो? Whether you are pushing earth down, you are pulling it up. So, आप push it down कर रहे हो, isn't it? तो अगर आप अर्थ को पुश कर रहे हो तो अर्थ आपको पुश कर रहा है, as simple as anything.
यही हमारा पहला एग्जाम्पल था कि ब्लॉक को ग्राउंड क्या कर रहा है, तो आप बोलोगे कि पुश कर रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल बैक को होल्डिंग का एग्जाम्पल था, जो कि आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि जब कभी आप बैक को होल्ड करोगे उसके कॉलर के इनसाइड में हैंड को लेके जाओगे तो हैंड से आप उसको पुश करोगे आप। हाँ, अपने अपने हैंड को पुल कर रहे होगे लेकिन पाम को पुश अप कर रहे होगे जिससे बैक लिफ्ट होता है या फिर होल्ड होता है। गुड। सो इस चीज जब कभी हमारे पास कोई टू बॉडीज का इंट्रैक्शन आएगा, देखो ये चैप्टर में क्या है एनएलएम में आज के आगे वाला, ये जो अलग से फिगर बनाया है ना, इसी को हम एक नाम से बुलाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। और अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम सही से बना पाए, बिलीव मी, नो मैटर कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना हो, हम उसको सिंप्लीफाई करके तुरंत आंसर निकाल लेंगे। और जो मेजोरिटी लाइक 50-60% लोगों से जो मिस्टेक्स होते हैं ना, वो इसी वजह से होते हैं कि वो ये बॉडी को विजुलाइज ही नहीं कर पाते कौन सा फोर्स किधर लग रहा है। जैसे कि अभी आपने विजुलाइजेशन में देखा कि आपको इश्यू बना, तो हमको कॉन्टेक्ट तो देखना है, कॉन्टेक्ट में किस तरह से वो बना हुआ है उस कॉन्टेक्ट को देखना है, फिर एक बॉडी दूसरे बॉडी पर किस तरह का एफर्ट दे रही है, पुश दे रही, पुल दे रही, उसको पता करना है, फिर डायरेक्शन पता करना है, ये एमजी के बारे में पढ़ लेंगे तो टोटल फोर्स पता चल जाएंगे, फिर उसके बारे में बता देंगे कि अगर बैग हम लिफ्ट कर रहे हैं तो क्या है, मूव करा रहे हैं तो क्या है, डाउन साइड ले जा रहे हैं तो क्या है, सारी कहानी हम बता सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है फोर्स के बारे में कि फोर्स हम कैसे देखते हैं, पुश एंड पुल एफर्ट होता है और कॉन्टेक्ट भी हो सकता है, नॉन कॉन्टेक्ट भी हो सकता है। अगर कॉन्टेक्ट पर है तो अपने को केवल कॉन्टेक्ट देखना है, पूरी बॉडी को बिल्कुल नहीं देखना है, कॉन्टेक्ट में क्या चल रहा है दैट मैटर्स, और नॉन कॉन्टेक्ट है तो फिर नॉन कॉन्टेक्ट के रूल लगाएंगे। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस में कौन कौन से फोर्सेस आएंगे आप पाओगे, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये सारे फोर्स कैसे होते हैं, नॉन कॉन्टेक्ट होते हैं, बाकी सारे कॉन्टेक्ट फोर्सेस में आते हैं। और आपसे पूछा द बैग इज पुशिंग द मैन, अच्छा आपसे पूछता है कि बैग क्या कर रहा है, तो अगर आप इसको इधर पुश कर रहे हो तो पाम, जैसे आपने ये पाम बनाया ना, तो बैग इधर फोर्स लगाएगा आपके हाथ पर, अगर ये आपका हाथ होता नीचे वाला पार्ट और बैग का ये कॉलर था, कॉलर पर आप ऐसे लगा रहे हो तो आप कॉलर को पुश कर रहे हो, वो आपके पाम को पुश कर रहे हैं, बिल्कुल। सो इन जनरल केस सिनेरियो वी एनालाइज बाय फर्स्ट डिटरमाइनिंग द एफर्ट एक्सर्टेड बाय द बॉडी इन क्वेश्चन, यस वी नीड टू एनालाइज दिस, वी नीड टू विजुलाइज दिस एंड देन वी कैन थिंक अबाउट कि क्या चल रहा है। Then you are writing from this, can we say that when two objects are in contact, they push each other always? Not necessarily. Not necessarily. They may pull. Can you identify any case when a body or another two bodies are in contact and pulling? मैं आपको बताता। Pull effort आपने पूछा भी है। देखो example देता। बहुत simple से example। इसी पे दे देता हूँ। लेट्स से आपके पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक के साथ आपने एक रॉड को ज्वाइन कर रखा है, सो ये रॉड है और ये ब्लॉक है। अगेन आपको रीड करनी है चीजें। लेट्स से कि रॉड को आप इधर मूव करा रहे हो, इधर जा रहे हैं, आप रॉड को मूव करा रहे हो किसी वेलोसिटी से या किसी एक्सेलरेशन से या जो भी कहानी है। अगर आप रॉड को पुल करते हो या रॉड को इधर ले जाते हो आगे की तरफ या इधर फोर्स लगा रहे होते हो, तो फोर्स तो आपने रॉड पे लगाया, ये ब्लॉक क्यों चला? ब्लॉक इसलिए चला क्योंकि रॉड और ब्लॉक देवर इन कॉन्टेक्ट, इसका मतलब इन दोनों में इंट्रैक्शन चल रहा है, इसका मतलब इन दोनों में फोर्स चल रहा है। हम ब्लॉक को अलग से वॉच करेंगे और रॉड को अलग से वॉच करेंगे और देखेंगे किस तरह का इंट्रैक्शन चल रहा है। जब आप इस इंटरेक्शन को रीड करोगे केयरफुली तो आपको पता चलेगा कि ये जो रॉड था वो ब्लॉक को पुल करेगा तभी ब्लॉक हमारा आगे बढ़ेगा, और ब्लॉक चाहेगा कि रॉड को भी पुल करें ताकि इक्वल एंड अपोजिट वाला सिनेरियो बन जाए। तो यहां पर ये जो एफर्ट आ रहा है वो कौन सा एफर्ट है? ये पुल एफर्ट है। समझ में आया कि पुल एफर्ट भी हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं कि पुल एफर्ट भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और स्ट्रिंग है, यस स्ट्रिंग को अगर आपने देखा है तो स्ट्रिंग को फिर अगर बहुत डीप पे जाएंगे तो, लेकिन कैसा होता है ना कि जैसे अगर ये रॉड है ना, आपने स्ट्रिंग टाई कर लिया तो वो जैसा आपने बैग को पकड़ा ना कुछ उसी तरह का रहता है,
तो ठीक है, हम लोग स्ट्रिंग में फिर पुल बोलेंगे, चलेगा। ये सिंपली मैंने आपको डीप विजुलाइजेशन के लिए बताया कि आपको किस तरह से विजुलाइज करना है। बाकी जैसा कि मैंने पहले बोला, ये पुश पुल बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करने वाले हैं, हम सिंपली फोर्स यूज़ करने वाले हैं। बट एटलीस्ट अगर आपसे कोई बोलता है समझाने के लिए, तो आप कॉन्टेक्ट को विजुलाइज कर सकते हो और इमेजिन कर सकते हो कि पुश पुल किस तरह से चल रहा है। रॉड कैन हैव अ टेंशन, राइट? यस, उसको हम टेंशन भी नाम देंगे। स्ट्रिंग कैन हैव अ टेंशन, स्ट्रिंग कैन पोल थिंग्स, और रॉड कैन पोल थिंग्स। यू कैन ऑल्सो पोल थिंग बाई यूजिंग अ स्ट्रिंग एंड रॉड और समथिंग लाइक दैट। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, अगर आप इस सिस्टम को आगे लेके जा रहे हो, और लेट्स से कि आप ले रॉड को पकड़ करके लेके जा रहे हो, तो आपके दिमाग में फंडामेंटल क्वेश्चन आना चाहिए कि मैंने रॉड को चलाया, ये ब्लॉक क्यों चल रहा है? आप बोलोगे कितना सिली क्वेश्चन है। जितना भी साइंस का डेवलप हुआ वो सिली क्वेश्चन से है। अगर एप्पल न्यूटन के सर पे नहीं गिरा होता, और न्यूटन ने ये क्वेश्चन नहीं किया होता कि ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, जो कि बाकी सारी दुनिया उसको एक्सेप्ट करती थी, वो नीचे ही गिरेगा, कहाँ जाएगा। उन्होंने इसी को क्वेश्चन बनाया कि नीचे क्यों गिरा। देन ही डिग इन टू इट, ही फाउंड आउट कि एक कहानी चलती है, और ये चैप्टर का बर्थ हो गया। तो जब कभी आपके पास कोई सिचुएशन आती है, तो आप उसको अगर बहुत बेसिक से सोचते हो कि लाइक हम अगर रॉड को पुल करते तो ब्लॉक क्यों चला, इसका मतलब ब्लॉक आगे चला तो ब्लॉक पे कोई फोर्स लगा होगा आगे, इसका मतलब ब्लॉक का फोर्स कौन लगा सकता है, रॉड लगा सकता है, कहाँ पर लगाएगा, जहाँ पर टच कर रहा है। ऑफकोर्स रॉड यहाँ पर टच कर रहा है, यही फोर्स लगाएगा, पीछे से जाके तो पुश नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ है, रॉड ने उसको पुल किया है, और फोर्स दिखाएंगे जिस तरह से यहाँ पर मैंने रेड एरो से दिखाया हुआ है। और ये कैसा होगा, पुल होगा, क्योंकि कांटेक्ट पर आगे की तरफ लग रहा है। मेकिंग सेंस? आगे बढ़ते हैं, और ये बेसिक आइडियाज हैं, बाकी हम लोग डिटेल में आगे बढ़ेंगे और ये समझेंगे ये फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, किस तरह से होते हैं, और किस तरह से इनको डिनोट करते हैं। सो अगेन मैं फोर्स को लिखता हूँ। फोर्स, फोर्स को एफ वेक्टर से लिखा जाता है। तो पहली बात, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमको याद रखना पड़ेगा कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। सिंस ये वेक्टर क्वांटिटी है, और हम लोग वेक्टर पढ़ चुके हैं, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी आएगा और डायरेक्शन भी आएगी, दोनों आएंगे। जितना हमारे लिए मैग्नीट्यूड इम्पोर्टेंट होगा, उतना ही डायरेक्शन इम्पोर्टेंट होने वाली है, और दोनों को हम लोग लर्न करने वाले हैं। फिर इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट आप जानते हो कि फॉर्मूले से भी जानते हो, अभी आप लिख सकते हो इसको यूनिट न्यूटन होता है, एन से लिखा जाता है, एन फॉर न्यूटन, ऐसा यूनिट है इसका, बाकी आप जानते हो। ना अगर किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है तो उससे क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, क्या कर सकता है, करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं फोर्स के, वो भी बता सकते हैं। तो उसके भी कुछ पॉइंट्स मैं जल्दी से लिख देता हूँ। फोर्स जो है ना, वो कॉज ऑफ मोशन होता है, कॉज ऑफ मोशन। सो मोशन को कॉज कौन करता है, फोर्स। अगर आपके टेबल पर बुक रखा हुआ है, तो ये तब तक मूव नहीं करेगा जब तक आप उसमें फोर्स नहीं लगाओगे, तो इसीलिए डायनेमिक्स चैप्टर है। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ। फोर्स कैन क्रिएट मोशन, क्रिएट के साथ साथ चेंज भी कर देता है, इट कैन क्रिएट, इट कैन चेंज अ मोशन। मतलब अगर एक बॉडी चलती हुई आ रही है, आपको रोकना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर एक बॉडी रुकी हुई है और अगर उसको चलाना है, यू नीड टू अप्लाई अ फोर्स। अगर एक बॉडी चल रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज करनी है, यू नीड टू अप्लाई अ फोर्स। अगर उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, यू नीड टू अप्लाई अ फोर्स। तो फोर्स कैन क्रिएट अ मोशन, फोर्स कैन चेंज अ मोशन, फोर्स कैन स्टॉप अ मोशन। तो उसको भी लिख सकते हैं, फोर्स कैन स्टॉप अ मोशन, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। आप लोग क्रिकेट खेलते हो, आपने देखा है कि अगर बॉलर बॉल करता है तो बॉल सीधा कहीं जा रहा होता है, आप बैट्स को लगा करके हिट करते हो, तो अगर बॉल इस तरह से जा रहा होता है तो वो कुछ इस तरह से चला जाता है। तो आप बॉल की मोशन आपने चेंज कर दी, क्या करके, हिट करके। हिट मतलब इंट्रैक्शन पर आकर के, इंट्रैक्शन का मतलब उसको फोर्स लगा करके, उस पर इफर्ट लगा करके, दैट इज इंट्रैक्शन बिटवीन बैट एंड बॉल।
what type of that interaction was, whether the bat pushed the ball or pulled the ball. That's quite obvious, you can identify. So identify करोगे कि bat ने ball को push किया, strongly push किया और उसने अपना track बदल दिया, path बदल दिया, direction बदल दी, velocity बदल दी, motion बदल गई. जब बैट्समैन जब फील्डर्स को कैच करता है तो कैच करने के लिए क्या करता है, उसकी मोशन थी, उस मोशन को वो स्टॉप कर देता है, अगेन फोर्स लगता है. आपने देखा होगा जब आप प्ले करते हो, कैच लेते हो, तो आपको पाम में कुछ हर्ट भी करता है. क्यों? क्योंकि आपने फोर्स लगाया उसको रोकने के लिए. तो ये सब फोर्सेस के अपनी प्रॉपर्टीज हैं. फोर्स कैन ऑल्सो डिफॉर्म द शेप और शेप साइज को चेंज कर सकता है. सो दिस कैन चेंज मोशन तो कॉज करता ही करता है, शेप और साइज को भी बदल देता है. आप एक रॉड लो और आपके पास अगर इनफ स्ट्रेंथ है तो आप उसको बेंड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, रॉड को सर्कल में कन्वर्ट कर सकते हो. आप नहीं कर सकते तो मशीन से करवा सकते हो. आप क्यूबिकल ब्लॉक को लेकर के हिट करके और उसको फोर्स लगा लगा करके आप उसको रॉड में कन्वर्ट कर सकते हो. तो वो सब सेफ साइज जो चेंज होता है वो फोर्स की वजह से होता है. और दूसरा एग्जांपल, लेट्स से एक कार जा रहा था, थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव है, दूसरा कार आ रहा था, दोनों हेड ऑन कोलिजन करते हैं, मिलते हैं. जब दोनों इंट्रैक्ट कर रहे होते हैं, हाई स्पीड से आकर के इंट्रैक्ट करते हैं, तो उनके बीच में एफर्ट्स लग रहे होते हैं, एक कार दूसरे को पुश कर रहा होता है. थोड़ी देर बाद आप देखते हो डिफॉर्म हो जाती है, उसमें डिफॉर्मेशन आता है. तो शेप और साइज चेंज करने का मतलब डिफॉर्मेशन क्रिएट कर देता है. सो फोर्स कैन डिफॉर्म एन ऑब्जेक्ट. शेप साइज चेंज करने का मतलब हुआ डिफॉर्मेशन. डिफॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है. सो बहुत सारी चीजें करता है फोर्स. ये बेसिक उसके बारे में टर्मिनोलॉजीज हैं. अपने को बस ये कॉमन सेंस में रखना है कि फोर्स किस तरह से क्या क्या चेंजेस ला सकता है. इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और भी समझेंगे कि फोर्स के टाइप क्या होते हैं. यहाँ तो कोई इशू? तो जैसे कि एक एग्जांपल, कोई भी एक चीज का एग्जांपल ले ले, जैसे कि स्टॉप अ मोशन. आपने देखा होगा कि अगर आपने एक ब्लॉक को ग्राउंड में वेलोसिटी देकर के छोड़ दिया, तो ये कुछ समय बाद अगर स्टॉप हो गया, रेस्ट पर आ गया, पहले किसी पर वेलोसिटी से चल रहा था, इसका मतलब इसका मोशन रुका गया है, स्टॉप हुआ है. मतलब देयर मस्ट हैव बीन अ फोर्स एक्टिंग दैट हैज कॉज्ड दिस मोशन टू स्टॉप. कैन एनीबॉडी आइडेंटिफाई व्हाट कुड बी दैट फोर्स? आपके प्रीवियस नॉलेज से आप इसका आंसर कर सकते हो. सो अगर किसी ब्लॉक को आपने मूव करता हुआ ग्राउंड पे छोड़ा हुआ है और थोड़े समय के बाद स्टॉप हो जाता है, तो इतना नॉलेज के बाद एक बात तो जरूर बोल सकते हैं कि कोई ना कोई फोर्स लगा होगा जो इस मोशन को स्टॉप करने में रिस्पॉन्सिबल रहा होगा. तो आप पुराने नॉलेज से बोलोगे कि उस फोर्स का मतलब फ्रिक्शनल फोर्स होगा, जो इसमें फ्रिक्शन लग रहा होगा उसकी वजह से स्टॉप हुआ होगा. परफेक्टली करेक्ट. इसका दूसरा मतलब ये भी हुआ कि अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा होता तो ये ब्लॉक कभी स्टॉप नहीं करता, सीधा चला जाता, हमेशा के लिए चलता रहता. सो फोर्स कैन स्टॉप अ मोशन, कैन क्रिएट अ मोशन, कैन चेंज अ मोशन, कैन डिफॉर्म अ बॉडी, इट कैन डू एन नंबर ऑफ थिंग्स. आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स जनरल वे पे बात करते हैं. टाइप्स ऑफ फोर्सेस का आइडिया दे देता हूँ मैं. कैटेगरीज ऑफ फोर्सेस, कुछ टाइप्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे, ऐसे टर्म्स बार बार यूज किए जाएंगे तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे. तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में बात कर सकते हैं. या फ्रिक्शनल फोर्स वॉज अ परफेक्टली करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर दैट. ना फोर्स किस तरह का होगा या किस टाइप का होगा या किस कैटेगरी का होगा ना, इसके लिए बहुत सारे नॉमनक्लेचर चलते हैं, बहुत तरीके से इसको कैटेगराइज किया जाता है, बहुत तरीके से किया जाता है. कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे ए वन टाइप ऑफ कैटेगरी है कि अगर हम इनको चाहें तो, जैसे अभी देखा कॉन्टेक्ट फोर्स हो सकता है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स हो सकता है. तो वन कैटेगरी इज की कॉन्टेक्ट फोर्स हो, कोई फोर्स या तो कॉन्टेक्ट फोर्स होगा. अगर कॉन्टेक्ट से लग रहा है तो उसको बोलेंगे कॉन्टेक्ट फोर्स, विदाउट कॉन्टेक्ट हो रहा है तो उसको बोलेंगे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स.
एग्जाम्पल के लिए कुछ फोर्सेस मैं आपको बता देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग का फोर्स जो लगेगा कॉन्टेक्ट फोर्स होगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा वो कॉन्टेक्ट फोर्स होगा. तो कुछ टर्म्स मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उनको अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे. एक फोर्स होगा जिसका नाम होगा नॉर्मल रिएक्शन, ये एक कॉन्टेक्ट फोर्स है. स्ट्रिंग में लगने वाला टेंशन एक कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्ट फोर्स है. स्प्रिंग अगर कोई फोर्स लगाएगा तो वो भी कॉन्टेक्ट फोर्स होगा. तो ये सारे कॉन्टेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल हैं. अभी जो आपने फ्रिक्शन का नाम लिया था, एग्जैक्टली फ्रिक्शन इज ऑल्सो कॉन्टेक्ट. इसको मतलब फ्रिक्शन तभी लगेगा जब दो सर्फेस कॉन्टेक्ट पड़ेंगे. नॉन कॉन्टेक्ट के एग्जाम्पल अगर अपने को देखना है तो नॉन कॉन्टेक्ट के एग्जाम्पल में आप याद रखोगे ग्रेविटेशनल फोर्स. नॉन कॉन्टेक्ट है यानी अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को बिना टच के भी पुल कर लेती है. मैग्नेटिक फोर्स आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएंगे. अब ये फोर्सेस क्या, इनके बारे में हम लोग डीप में जरूर पढ़ेंगे. अभी फिर आप फिलहाल आप याद रखिए कि ये जो फोर्सेस हैं वो किस कैटेगरी में पाए जाते हैं, कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट. और भी कई कैटेगरीज है फोर्स को कैटेगराइज करने के लिए. अनदर वे ऑफ कैटेगराइजिंग देम इज लाइक हालांकि थोड़ा सा भारी पड़ेगा फिर भी मैं नाम ले देता हूँ, बाकी इसको डिटेल में पढ़ेंगे. कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. ये जो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होते हैं ना, इसको कई बार फील्ड फोर्स के नाम से भी जाना जाता है. मतलब जैसे ग्रेविटेशन फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये फील्ड्स होती है ना, उसकी वजह से फोर्स लग रहा होता है. कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, इसको हमको काफी डिटेल में पढ़ना है और उसके लिए काफी कुछ सीखने की जरूरत है, तभी आप समझ पाओगे. थोड़ा सा अगर आइडिया दें तो एग्जांपल के लिए मैं बता सकता हूँ कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से होते हैं. कंजर्वेटिव फोर्सेस में आएगा, एग्जांपल आप याद रख लीजिए अभी के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स है. और स्प्रिंग का फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स है. और भी एग्जाम्पल हैं, ये डोमिनेंट एग्जाम्पल हैं जो आपको यूज याद रखने हैं कि दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर. लूज सेंस में मैं आपको बता देता हूँ, कंजर्वेटिव वो फोर्सेस होते हैं जो एनर्जी को वेस्ट नहीं करते हैं बल्कि एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं और उस एनर्जी को वो बाद में यूज कर सकते हैं. जैसे कि ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है हमारे पास, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल एनर्जी को फॉर्म में रखता है. स्प्रिंग कंप्रेस होकर के अपने आप एलोंगेट हो जाता है, पुश करती है, तो स्प्रिंग कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव है. आइडिया क्या है, कंजर्वेशन मतलब एनर्जी कंजर्वेशन को जो फॉलो करते हैं, एनर्जी को वेस्ट नहीं करते हैं. और भी इसकी डेफिनेशंस हैं, हम लोग उस पर वर्क करेंगे डिटेल में. नॉन कंजर्वेटिव वो होंगे जो एनर्जी को वेस्ट कर रहे होंगे, जैसे फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. ड्रैग फोर्स, रेजिस्टेंस फोर्स, तो जहां पर हीट जैसा कुछ निकलता है, एनर्जी वेस्ट हो रही होती है, वो सब नॉन कंजर्वेटिव कैटेगरी में आते हैं. तो जनरली हम लोग इस तरह के नॉमेनक्लेचर यूज करेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. और भी कैटेगरीज एग्जिस्ट करती है जिसके बेसिस पे हम लोग फोर्सेस को डिफाइन करते हैं और कैटेगराइज करते हैं. जैसे कि ऐसा बोलेंगे कि बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स या इम्बैलेंस्ड फोर्स. तो कभी आपसे ऐसा बोला जाए कि बैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं, तो बैलेंस्ड फोर्सेस का मतलब होगा कि इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं कि उनका नेट फोर्स जीरो है. सो एफ नेट मस्ट बी जीरो. एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे होंगे और वो सारे फोर्सेस एक दूसरे के साथ वेक्टोरियली एड अप करके जीरो हो जाएंगे, सो दे विल कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस. और इस कंडीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन भी कहते हैं. अनबैलेंस्ड फोर्स या इम्बैलेंस्ड फोर्स,
ऐसे फोर्सेस जिनका रिजल्टेंट या इफेक्टिव या नेट वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होगा. एफ नेट मस्ट नॉट बी जीरो, मस्ट नॉट बी जीरो. सो बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड या इम्बैलेंस फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कॉन्टेक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस, और भी टर्मिनोलॉजीज इस तरह से मिलती है, उनके बेसिस पर हम अपने को याद रखना है. और ये जो कैटेगरीज बताएगी ये याद रखना बहुत जरूर सिंपल है. बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड आपको याद रह जाएगा, कॉन्टेक्ट नॉन कॉन्टेक्ट याद रह जाएगा, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव के लिए हम लोग और भी बात करेंगे और इसमें अच्छे क्वेश्चंस बनने वाले हैं. और भी अगर ब्रॉडर सेंस में कैटेगराइज करें ना, तो ये जो कैटेगराइजेशन है ये बहुत ब्रॉडर कैटेगराइजेशन है. इसके बेसिस पे फोर्स को हम फोर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फोर टाइप्स ऑफ फोर्सेस. तो इंटायर फोर्सेस को, यूनिवर्स के सभी फोर्सेस को फोर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. आपने बोला है रिपीट करना है नॉन कंजर्वेटिव एग्जांपल. नॉन कंजर्वेटिव वाले वो केसेस होते हैं जिसमें हीट का प्रोडक्शन होता है, जिसमें एनर्जी स्टोर, एनर्जी जो होती है वो कंजर्व नहीं रहती है, जैसे कि फ्रिक्शन, जैसे कि ड्रैग फोर्स, एयर रेजिस्टेंस फोर्स, विस्कस फोर्स. आगे चल करके आप पढ़ोगे विस्कस फोर्स, तो उन फोर्सेस के बारे में हम लोग बात करेंगे. अभी अपने मैंने केवल फ्रिक्शन लिखा हुआ है, आप केवल फ्रिक्शन अभी याद रख सकते हो. आगे जब कभी हम नया फोर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे तो वहां पे समझेंगे कि वो कंजर्वेटिव है या फिर नॉन कंजर्वेटिव. वो फोर ब्रॉडर कैटेगरीज हैं फोर्सेस की, वो अपने को याद रखना है. और ये एग्जाम में पूछा भी गया है. फर्स्ट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फोर्स. फिजिक्स में या इंटायर फिजिक्स में अगर सारे फोर्सेस को कैटेगराइज करना हो तो हम फोर कैटेगरी में रख सकते हैं. स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, तो कुछ फोर्सेस होते हैं जिनको हम स्ट्रॉन्ग फोर्स के नाम या स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के नाम से जानते हैं. उसका जो एग्जांपल है वो न्यूक्लियर फोर्स है. तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग फोर्स है, उसको हम स्ट्रॉन्ग फोर्स के नाम से जानते हैं. दूसरा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस है जैसे कि कूलॉम्बिक फोर्स, उनको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के नाम से जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जैसा कुछ लग रहा होगा. थर्ड इज कॉल्ड वीक फोर्स. और फोर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. सो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर द फोर टाइप्स ऑफ ऑल, वी कैटेगराइज ऑल द फोर्सेस. सो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ कैटेगरीज जिसके जिस पर हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं. स्ट्रॉन्ग फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स. एक दो बार एग्जाम में आ चुका है कि इनका स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए, कौन ज्यादा स्ट्रांग होता है, कौन कम स्ट्रांग होता है, तो वो अपने को पता करना है. इसका स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होता है. दिस इज ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ. ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब है स्ट्रांग फोर्स आर द स्ट्रांगेस्ट फोर्स. इसका मतलब जितने भी फोर्स अपने यूनिवर्स में हम लोग एक्सपीरियंस कर पाते हैं, स्टडी कर पाते हैं, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इज, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इज द न्यूक्लियर फोर्स. और आप इसको रियलाइज कर सकते हो. आप देखते हो आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स है, कोई भी ऑब्जेक्ट को देखो, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं दे आर वेरी हार्ड टू ब्रेक. इसका मतलब और कोई भी ब्रेक करने वाला भी ऑब्जेक्ट होगा तो आप जब उसको ब्रेक करते जाओगे तो आप न्यूक्लियस तक पहुंचोगे. न्यूक्लियस पे आपको मिलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. आप कितना भी किसी ऑब्जेक्ट को ब्रेक कर डालो लेकिन उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग नहीं कर पाओगे. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करना इज टफेस्ट जॉब. दैट मींस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे को इतना स्ट्रांगली बाउंड किए होते हैं ना, उनको ब्रेक कर पाना के लिए आपको बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है. सो दिस दीज फोर्सेस आर कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स एंड दे आर द स्ट्रांगेस्ट फोर्स. फिर दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आते हैं, दैट मींस चार्जेस की वजह से और करेंट्स की वजह से और मैग्नेट्स की वजह से.
थर्ड नंबर पे वीक फोर्सेस आते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स. तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज द वीकेस्ट फोर्स, इससे ज्यादा वीक कोई फोर्स होता ही नहीं है. और आपने ग्रेविटी में पढ़ा होगा एक जी आता है यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, उसकी वैल्यू 10^-11 जाती है. नाउ यू सी कि 10^-11 इज अ नंबर विच इज सो स्मॉल, डेसिमल के बाद आपको 11 जीरोस लगानी है, दैट मीन्स इट्स ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टिंग ऑलमोस्ट. तो उसके लिए हम लोग फिर क्या करते हैं कि उसको वीकेस्ट कैटेगरी में रखते हैं. तो इसको भी याद रखना है. बाकी फोर्सेस के बारे में जैसे न्यूक्लियर फोर्सेस को हम लोग मॉडर्न में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे और ग्रेविटेशन को सेपरेटली पढ़ेंगे. वीक फोर्सेस की कैटेगरी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, तो इसमें कोई स्पेसिफिक फोर्स नहीं है. और जनरली इन इनके ऑर्डर को हम इस तरह से लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ. और भी इनकी कंपेरिजन है, आपसे ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ पूछ सकता है तो आप बता दोगे. आगे बढ़ते हैं, कुछ और फोर्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं धीरे धीरे, और फिर हम इंडिविजुअल फोर्सेस को समझेंगे और उनको याद रखेंगे. अपने लिए जो इम्पोर्टेंट कुछ फोर्सेस हैं उनमें से एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, इसको डिटेल में समझना है. टेंशन क्या है पुली और स्ट्रिंग को देखने के लिए इसको समझना है, स्प्रिंग को समझना है, फ्रिक्शन को समझना है, ग्रेविटेशन को समझना है, इतना भी अपने को समझना है. बाकी सारे जो फोर्सेस हैं उनको हम लोग बाद में पढ़ेंगे. इवन ग्रेविटेशनल फोर्स का एक अलग चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसमें पढ़ेंगे. मैग्नेटिक फोर्स को मैग्नेटिक चैप्टर में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक को इलेक्ट्रो चैप्टर में पढ़ेंगे. सबके अलग अलग चैप्टर है आपके पास. हाँ, हम अभी हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, न्यूटन वाला फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम केवल न्यूटन को फोकस करेंगे. आइंस्टाइन और जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं उनको साइड में रखेंगे, क्योंकि अगर उनको लेकर के आएंगे तो फिर ये समझ नहीं पाएंगे और फिर दोनों मिक्सअप हो जाएंगे. एक बार हम न्यूटन को समझ लेते हैं कि न्यूटन ने एक्चुअली कैसा क्या बताया है, और न्यूटन की जो बताई गई बातें वो ट्रू भी हैं क्योंकि वो रियल लाइफ में पूरी तरह से वैलिड है. हाँ, आगे जाकर के वो वैलिड नहीं रहते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है, बट रियल लाइफ में अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में वो काफी हद तक वैलिड है जो डे टू डे लाइफ है अपनी. इसके बाद हम लोग हेडिंग डाल सकते हैं सम इम्पोर्टेंट फोर्सेस जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. ये वो इम्पोर्टेंट फोर्सेस है जो हम लोग अभी फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं और जो जिनको हम लोग यूज करने वाले हैं. पहले कुछ इम्पोर्टेंट फोर्सेस पढ़ लेते हैं, फिर न्यूटन्स लॉस पढ़ लेंगे, फिर उनको यूज करना स्टार्ट करेंगे. नाउ किसी भी फोर्स को जानने के लिए अपने को दो चीजें जानना बेहद जरूरी है. इनफैक्ट थ्री थिंग्स. फर्स्ट थिंग इज कि वो किस डायरेक्शन में एक्ट करता है. सेकेंड थिंग इज हाउ मच मैग्नीट्यूड इट कैरीज. थर्ड थिंग कुड बी वेयर इट एक्ट्स, द लोकेशन ऑफ दैट फोर्स एक्टिंग. उसकी लोकेशन भी पता करेंगे और डायरेक्शन भी पता करेंगे और मैग्नीट्यूड भी पता करेंगे. ये अपने को पता करना है जिन फोर्सेस को हम लोग यहाँ पर लिस्ट करने वाले हैं, और उनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड और लोकेशन सारा आपको केयरफुली याद रखना है, और फिर उसको यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बाद में. पहला फोर्स हम लोग ले सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन. सो नॉर्मल रिएक्शन एक फोर्स है, जिस फोर्स के बारे में हम लोग सीखने वाले. नॉर्मल रिएक्शन को जनरली एन या एन आर से लिख दिया करेंगे, वैसे एन लिख देते हैं, एन फॉर नॉर्मल रिएक्शन. मैंने आर सब्सक्रिप्ट इसलिए यूज कर लिया ताकि आप न्यूटन से कंफ्यूज ना हो, और आर लिख कर रखेंगे तो उससे अपने पता चलेगा रिएक्शन है. अगर आप एन भी लिखते हैं तो याद रखिएगा वो नॉर्मल रिएक्शन है. तो क्या है, कुछ पॉइंट लिख देते हैं. इट इज अ कॉन्टेक्ट फोर्स. तो पहली बात, ये कॉन्टेक्ट फोर्स है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है और कॉन्टेक्ट पे ही लगेगा, तो कॉन्टेक्ट फोर्स है. इट एक्ट्स परपेंडिकुलर एंड अवे एट द कॉन्टेक्ट सर्फेस. सो इस लाइन पे सारा कुछ लिखा हुआ है. कहाँ पर लगता है, कॉन्टेक्ट सर्फेस पे लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है, अवे और परपेंडिकुलर लगता है, और ऐसा है कॉन्टेक्ट फोर्स है. अवे लग रहा है, इसका मतलब पुश वाला रहा होगा, तो कॉन्टेक्ट फोर्स है. यहाँ पर आप लिख सकते हो ये पुश इफर्ट है,
अगर आप पुश के टर्म में जाना चाहो, पुल के टर्म में जाना चाहो, तो दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द डायरेक्शन. इसको केयरफुली पढ़िए और समझिए, और इसी पर बेस में आपको एक दो एग्जांपल दूंगा, आपको डायरेक्शन प्रॉपरली बतानी है. तो अपने को क्या करना होगा, कॉन्टेक्ट सर्फिस पता करना होगा. अगर कॉन्टेक्ट सर्फिस नहीं होगा तो टेंजेंट टू द सर्फिस पता करेंगे कॉन्टेक्ट पॉइंट पर, टेंजेंट के परपेंडिकुलर अवे की डायरेक्शन पे दिखाते हैं. सिंपलेस्ट एग्जांपल, अभी जो हमने लिया था ब्लॉक और अर्थ वाला, वो चलेगा. अच्छा, मैग्नीट्यूड के बारे में भी लिख देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ. मैग्नीट्यूड के बारे में भी कुछ नहीं लिखा. इसका मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं होता है, मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है कन्फिगुरेशन पे, सिचुएशन पर, क्वेश्चन पर. इट्स मैग्नीट्यूड इज नॉट फिक्स्ड. That means we do not have any formula to say कि normal reaction कितना होता है. We do not have any formula to say कि normal reaction कितना होता है. तो अगर आप कोई formula याद रखते हो तो उसको side में करने का, और आप बोलेगा कि इसका magnitude fix नहीं होता, situation decide करती है. ये magnitude के बारे में comment हो गया, direction के बारे में comment हो गया, type of force के बारे में comment हो गया. अब example से check कर लेते हैं. पहले वही एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ जो थोड़ी देर पहले बनाया था, ब्लॉक वाला. अगर ये ब्लॉक है एंड दिस ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन सरफेस मे बी लाइक दिस, सो हमारे पास दो बॉडी हैं, एक बॉडी वन है और एक बॉडी ए और एक बॉडी बी, ऐसा भी बोल सकते हैं. तो ये कहाँ पर एक्ट करता है, हमेशा कॉन्टेक्ट पर एक्ट. जहां भी कॉन्टेक्ट दिखेगा तो आपको कॉन्टेक्ट देखना है कि ये कॉन्टेक्ट सर्फेस है और इस कॉन्टेक्ट सरफेस पर एक्ट करेगा. किस तरह का एफर्ट होगा, पुश होगा, और अगर हमको देखना है ये फोर्स तो हमने उस बॉडी को अलग से बनाना पड़ेगा. तो हम ए बॉडी को अलग से बनाएंगे, एंड इफ वी वॉच द ए बॉडी देन वी नीड टू वॉच कि क्या कॉन्टेक्ट सरफेस है, देन यू विल रियलाइज कि ये कॉन्टेक्ट सरफेस है. देन यू नीड टू सी कि फोर्स कैसा लगेगा, कॉन्टेक्ट सर्फेस के परपेंडिकुलर लगेगा. और अवे मैंने कहाँ लिख दिया, आपने अवे लिखा था इसलिए मैंने लिख दिया, ये अवे को हटा दो, पुश है, टू वर्ड्स वर्ड यूज कर लो. अवे नहीं आएगा, टू वर्ड्स आएगा क्योंकि पुश है ना. हाँ, अवे फ्रॉम द बॉडी लिख सकते हो या टू वर्ड्स, नहीं टू वर्ड्स वर्ड लिखो. फिर से क्लियर कर देता हूँ, इट एक्ट्स परपेंडिकुलर एंड टू वर्ड्स द बॉडी towards the body at the contact surface. Towards the body. Post comment लिखा था, उसी से copy paste मार दिया मैंने. So गड़बड़ हो गया. Anyway, मैं अभी correct कर दे रहा हूँ. So it acts perpendicular to the surface, contact surface, and towards the body. So आप देखो contact surface हमारा ये red color का था, वो हो गया. और इसके परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन होंगे, ये तो अवे की तरफ होगा और ये टूवर्ड्स की तरफ होगा. तो दो में से कौन सा चूज करना है, टूवर्ड्स द बॉडी वाला चूज करना है. यस, सो दैट ये क्या बन जाए, पुश एफर्ट. तो ये जो फोर्स होगा दैट विल बी नोन एज नॉर्मल रिएक्शन. तो कहाँ पर लगता है, कॉन्टेक्ट सर्फिस पर और सर्फिस के परपेंडिकुलर, दैट मीन्स 90 डिग्री पर टूवर्ड्स द सर्फिस लगेगा. इस तरह से ड्रॉ करते हैं. अच्छा, मैंने एक पॉइंट पे दिखाया गया, केवल एक पॉइंट पे नहीं लगेगा इसको, हम लोग ऐसा दिखाएंगे कि ये सभी पॉइंट पे लग रहा है, इस पॉइंट पर भी एक्ट कर रहा है, यहाँ पर भी एक्ट कर रहा है. लेकिन इतना सारा कुछ दिखाने से अच्छा है कि हम कुछ उसको एक से रिप्रेजेंट कर दें, तो बाद में उसको एक से रिप्रेजेंट कर दिया करेंगे. तो पॉइंट ऑफ एक्शन कहाँ पर होगा, तो एक पॉइंट ऑफ एक्शन नहीं होगा, कई सारे पॉइंट ऑफ एक्शन होंगे, तो हर पॉइंट पर एक्ट कर रहा होगा. जहां जहां पर भी कॉन्टेक्ट होगा वहां वहां पर ये फोर्स एक्ट करता है. सिंपल है. तो जब दो सरफेस कांटेक्ट में दिखेंगे कभी आपको, तो आप दोनों पर फोर्स दिखा सकते हो. अगर हमको बी पे दिखाना होगा तो अपने को वो पोर्शन देखना होगा जहां पर सरफेस कांटेक्ट में था, तो ये सरफेस कांटेक्ट पे था, इतने पोर्शन पे एक्ट करेगा. और किस तरह का एक्ट करेगा वो अभी आपने देखा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड टूवर्ड्स द सरफेस. सो इट विल बी लाइक दिस. हम लोग क्या करेंगे, इतने सारे एरोस ने दिखा करके सिंगल एरो से उसका काम चला लेंगे, तो हम बोलेंगे सिंगल एरो से काम चल गया. तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, इक्वल एंड अपोजिट. इस पर अगर आप डायरेक्टली दिखाना चाहो तो बोलोगे ए पर ऐसा लग रहा होगा, बी पर ऐसा लग रहा होगा. और इक्वल एंड अपोजिट होता है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन आप जानते होगे, जिसको हम लोग लिस्ट करेंगे उसके हिसाब से. ये अगर आप दोनों को एक साथ देखोगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, टोटल जीरो हो जाएगा.
लेकिन जब हम ए को देख रहे होंगे तो अपवर्ड लग रहा होगा, बी को देख रहे होंगे तो डाउनवर्ड लग रहा होगा। इसको करेक्ट कर लीजिए, इट इज टूवर्ड्स द सरफेस, कॉन्टेक्ट सरफेस के टूवर्ड्स है। बाद में हम इसको ऐसा भी दिखाएंगे तो आप इसको एग्री करोगे कैसा, कि लेट से ये हमने ए ब्लॉक बनाया, इसका सिंप्लीफाइड वर्जन में हम लोग नॉर्मल रिएक्शन ऐसा भी दिखा देंगे तो आप बोलोगे ठीक है चलता है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मैटर करता है, आप जानते हो कि वेक्टर्स में पॉइंट कहाँ पर बनाया गया वो मैटर नहीं करता है, तो अगर हमने ऐसा भी दिखाया तो चलेगा, तो भी चलेगा। इसका मतलब है कि ऊपर की तरफ लग रहा है, लेकिन अगर हमको दिखाना पड़े कहाँ लग रहा है तो ये ऊपर वाले सर्फिस पे नहीं है, कॉन्टेक्ट वाले सर्फिस पर, जो कि एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर दिखाई गई है। तो वो ड्रॉ करने के लिए अपना शॉर्टकट तरीका रहेगा, बट अभी के लिए आप ये समझो कि ऐसा दिख रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ऐसे एग्जांपल एक दो बार एग्जाम में पूछा गया, उसने फिगर दिया, बोला बताइए नॉर्मल रिएक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू या कौन सी डायरेक्शन करेक्ट है, तो आपको बताना है। पहले मैं सिंपल एग्जांपल पिक करता हूँ, लेट से अपने पास एक स्फीयर है और ये जो स्फीयर है वो कुछ ऐसा रखा हुआ है, और दो सरफेस के बीच में कुछ ऐसा रखा हुआ है, एक ये ग्राउंड वाला सरफेस है और ये इंक्लाइंड वाला सरफेस है। तो स्फीयर, ये स्फीयर लिखने राइट दो, ये स्फीयर है, आप पाओगे कि जो कांटेक्ट होगा, अपने को वॉच करना कि कांटेक्ट कहाँ कहाँ पर है। दिस स्फीयर इज इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड एट दिस लोकेशन ए, and this sphere is in contact with the inclined plane at location B. So in A or B point पर normal reaction act करने वाला है। ग्राउंड वाला सर्फेस horizontal है और वो किसी एंगल पर है, तो मैं आपको कुछ फिगर बना के दे रहा हूँ, आपको normal reaction की direction identify करनी है। तो A को मैंने इसको highlight कर दिया है और ए पॉइंट ये है, तो ए पॉइंट पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी वो मैं चार ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको बताना है कौन सा करेक्ट वाला है। क्या ए पर रिएक्शन लगेगी कुछ इस तरह से जाएगा या फिर कुछ इस तरह से जाएगा या फिर कुछ इस तरह से जाएगा या फिर कुछ इस तरह से जाएगा, अगर इनमें से चूज करना हो कौन सा नॉर्मल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर पाएगा, लेट्स से दिस इज ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री, ऑप्शन फोर, so which will be the correct option for representing normal reaction direction at the contact point A? Okay, तो आपने ये point catch कर लिया जो मैं catch कराना चाह रहा था, आपको क्या करना होगा, उस कांटेक्ट पॉइंट पर आप टेंजेंट को ड्रॉ करोगे, उसके बाद उसका जो नॉर्मल होगा उस पर लग रहा होगा, तो जो नॉर्मल रिएक्शन आप बोलोगे कि तो नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसा दिखाना था हमको ऐसा ये, लेकिन हमने उसको ऊपर बना दिया, तो आप जानते हो किसी वेक्टर को अगर यहाँ पे ड्रॉ करो या फिर यहाँ पे ड्रॉ करो या फिर यहाँ पे ड्रॉ करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड। तो ट्रांसलेशन मोशन में उसको हम ऊपर जाकर के भी दिखा सकते हैं, तो पुश और पुल का हमको याद रहेगा कि पुश है, लेकिन अगर इन चारों में से ढूंढ रहा होगा तो कौन सा हमको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, थर्ड रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सो आप बोलोगे थर्ड विल बी द करेक्ट, तो नॉर्मल रिएक्शन एट ए इज गोइंग टू बी रिटन लाइक दिस, दिस विल बी नॉर्मल रिएक्शन एट ए, क्योंकि थ्री उसको क्लियरली आंसर कर रहा है। फिर आप अगर अलग से एक पिक्चर बना के मैं दूं और एम बी की डायरेक्शन पता करना चाहूं नॉर्मल रिएक्शन एट बी, तो उसकी भी डायरेक्शन आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेट से कोई बोलता है कि एक डायरेक्शन आपको ये दी गई है और एक डायरेक्शन आपको ये दी गई है, एक डायरेक्शन ये दी गई है और एक डायरेक्शन ये दी गई है, लेट से कि दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर, so which one is going to indicate N B correctly? so
सो अगेन यू नीड टू सी कि हमारा जो वेक्टर नॉर्मल रिलेशन डिजाइन करने का आइडिया है उसे कौन मैच कर रहा है. बहुत ज्यादा अपने को फोकस करने की मतलब मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है, बट टेंटेटिवली अपने को पता चल जाएगा. हाँ, करेक्ट वाला ही पता चलेगा. तो ये बी पॉइंट था, तो बी पर आप एक टेंजेंट बनाओगे, कुछ ऐसी आएगी टचिंग लाइन, और फिर उसका नॉर्मल परपेंडिकुलर लेके जाना है. तो अब देखोगे कि 2 परपेंडिकुलर नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता. 3 परपेंडिकुलर नहीं है, वो भी आंसर नहीं हो सकता. 1 परपेंडिकुलर नहीं है, वो भी आंसर नहीं हो सकता. 4 है, और 4 की डायरेक्शन प्रॉपर्ली बनाई गई है, इसलिए 4 आंसर हो जाएगा. आपको अगर 1 लग रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, 1 में मैं बताता कि अगर ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है तो इसको सेंटर से पास करना चाहिए था, क्योंकि स्फीयर में जितने भी परपेंडिकुलर होते हैं सब सेंटर से जाते हैं, और सेंटर हमारा जरूर कहीं बीच में होगा. 1 हमारा सेंटर से नहीं जा रहा है, इसलिए 1 आंसर नहीं आएगा. हाँ, अगर 1 को मैं इधर बनाता सेंटर की तरफ तो डेफिनेटली आंसर हो सकता था. तो 4 जबकि प्रॉपर दिख रहा है, तो बाकी प्रॉपर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब नॉर्मल रिलेशन के लिए 4 हो जाएगा. तो इसके लिए जो नॉर्मल रिलेशन एट बी होगी, दैट इज गोइंग टू बी गिवन बाई 4. Normal reaction isn't it affected by the inclination of the surface? Yes, it is affected. अगर inclination नहीं होता तो ये देखो vertically up थी, तो जैसे ही inclination बढ़ेगा तो उस inclination के perpendicular लगेगा, तो वो surface के perpendicular लगता है. बस अपने को याद रखना है, surface हमारा अगर बदलेगा तो perpendicular बदलेगा, तो direction बदलेगी. एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, कई लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, बाकी लोग भी करेक्ट आंसर दे देंगे तो अपना पर्पस पूरा हो जाएगा, और एटलीस्ट आपको नॉर्मल रिएक्शन को ड्रॉ करना आ जाएगा, जो कि एक अच्छा स्टेप होगा न्यूटन्स लॉस को समझने के लिए और करेक्ट आंसर तक पहुंचने के लिए. आपने लिखा, बट वी माइट आल्सो हैव टू एनालाइज कंपोनेंट्स ऑन द इंक्लाइन और इट विल स्टिल बी एट 90 डिग्री ऑलवेज. It is always perpendicular to the surface. Contact line के हमेशा perpendicular रहेगा. That is in its definition. उसके बाद आप component करते हो, क्या करते हो, वो situation पे depend करेगा. अभी तक हम केवल force की direction को समझने की कोशिश कर रहे हैं, question solving की नहीं. चलो एक और example देता हूँ, similar type of example exam में आया हुआ था, तो अब उसी को draw कर देता हूँ. उसने ऐसा बोला था एक bird की अपने पास लिट से कि एक wall है और एक ग्राउंड है. वॉल और ग्राउंड ये तो फिक्स रहते हैं, वी नो दैट. एंड देयर इज अ रॉड व्हिच हैज बीन प्लेस्ड लाइक दिस. सम सॉर्ट ऑफ दिस. ये रॉड है और ये रखी हुई रॉड है, ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, और ये अपना रॉड है. और स्क्रीन फ्रीजिंग, ओके स्क्रीन फ्रीज हो गया तो मैं रिशेयर करता हूँ, अगर सही है तो अपने को पता ना है. ड्रॉ नॉर्मल रिएक्शन अपने को नॉर्मल रिएक्शन पता करना है. मैं अब एक काम करता हूँ, मैं 4 ऑप्शन देता हूँ, ए बी सी डी. नॉर्मल रिएक्शन एट ए, अपने को ए पर नॉर्मल रिएक्शन पता करने. मैं डायरेक्शन बना रहा हूँ आपको, बस राइट डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर लेना, दैट विल बी सफिशिएंट. ए पर नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन क्या ये बनेगी, एक मिनट. वेदर दिस इज गोइंग टू बी दिस, whether this is going to be this, whether this is going to be this, whether this is going to be this. अच्छा ये बताना जरूरी है किस पर, normal reaction at A on the rod. Rod पर अलग आता है, उसका opposite दूसरे पर आता है. तो ये 4 options अगर आपको दिए जाएंगे, can you identify which one is going to be the right answer? तो सिंपल है,
आप ए पॉइंट पर कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करोगे, कॉमन टेंजेंट कॉमन सरफेस वो ऐसा बनेगा, और अगर ये हमारा कॉमन सरफेस हो गया तो इसके परपेंडिकुलर और टूवर्ड्स द रॉड बनाना होता है, परपेंडिकुलर टूवर्ड्स द रॉड ऐसा बनेगा, तो ये रॉड पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा. सो दैट इज नॉर्मल रिएक्शन ए एट रॉड, रॉड पर दिख रहा है. सिमिलरली अगर आपसे बी पे पूछा जाए तो ये कॉमन टेंजेंट बनेगा, नॉर्मल रिएक्शन टूवर्ड्स सरफेस ऑफ रॉड बनाओगे तो ऐसा हो जाएगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन होगा. आप चाहो तो इसको ऊपर दिखाओ, वो एक अलग कहानी है, बट अगर प्रॉपरली दिखाना तो ऐसे भी दिखा सकते हैं. तो ये नॉर्मल रिएक्शन बी पर आएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन ए पर आएगा, दोनों रॉड पर दिखाए गए. वॉल पर पूछेगा तो उसका रिवर्स कर देंगे, तो सी परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा पहले पार्ट के लिए. और अगर अपने को बी पर दिखाना होगा तो इस तरह से दिखा सकते हैं. तो ये जो डायरेक्शंस हैं वो रॉड पर हैं और वो अपने को याद रखना है. ओके, तो इसका मतलब अब नॉर्मल रिएक्शन कभी भी आएगा, कहीं भी आएगा, तो आप ये ज़रूर आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. अगर आप ये आइडेंटिफाई कर पाते हो तो अपना काम हो गया. इसी पिक्चर को मैं रीड्रॉ कर दे रहा हूँ सो दैट कि आप ये मिक्स ना करें कि कौन सा रॉड पर था, कौन सा बॉल पे था. तो हम रॉड को अलग से बना के दिखा रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा. तो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन एट ए, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन एट बी. इसके बाद आप देखोगे कि इस पर एक और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स ग्रेविटेशन लगता है जिसका नाम एमजी होता है. फिर आप इसको बोलेंगे ये फ्री बॉडी डायग्राम है, और एक बार हम फ्री बॉडी डायग्राम प्रॉपर बनाने लगे, दैट मीन्स सारी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वेक्टर्स को दिखाने लगे, तो इसके बाद न्यूटन्स लॉ विल बी इजी केक. सो आज हम लोगों ने काफ़ी स्लो मूव किया है, बट बेसिक्स ज़रूर लर्न किए हैं. और अगर आप इस पर कंफर्टेबल अभी तक नहीं थे, सो रिवाइज इट, बिकम कंफर्टेबल. नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे. नॉर्मल रिएक्शन के बारे में इतना ही है, उसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड फिक्स होता नहीं है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहाँ पर लग रहा है, कॉन्टेक्ट पर लगता है वो अपने को पता चल गया, पुश इफर्ट होता है. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ग्रेविटेशन फोर्स, देन वी विल टॉक अबाउट टेंशन फोर्स, देन स्प्रिंग फोर्स, देन फ्रिक्शनल फोर्स. और ये सारे फोर्स पढ़ लिया, इसका मतलब ये चैप्टर के बाद में कुछ नहीं रहता है. ये चैप्टर बहुत आसान है, ये चैप्टर में एक ही फॉर्मूला चलता है, F इक्वल टू ma. और ये फॉर्मूले के बारे में आप जानते हो, मास आप जानते हो, एक्सेलेरेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बस फोर्स पढ़ना सीखना है हमको कि टोटल फोर्स कैसे निकाला जाए. तो टोटल फोर्स को पहले हम ड्रॉ कर पाएंगे, फिर वेक्टर को यूज करके नेट वैल्यू निकालेंगे, फिर हम इस फॉर्मूले से अपना आंसर बता देंगे. Okay, so that's all for the day. If you have any quick query, you can ask. Otherwise, have a great time. Yes. Thank you. See you tomorrow.